Hi. So our next topic for today will be cash flow statement, right? FRA mein we have already seen income statement, we have seen balance sheet, and now we'll be moving forward with one of the most important statements, that is cash flow statement. Cash flow statement hota kya hai? It basically tells you company ka kya position hai in terms of cash. Cash kahan se aa raha hai aur cash kahan pe जा रहा है राइट वेर ऑल द कैश इज कमिंग फ्रॉम एंड वेर ऑल वी आर डिप्लॉइंग आर कैश. अब अगर कैश कम पड़ रहा है तो विल नीड टू टेक डेट, विल नीड टू इशू न्यू इक्विटी, या फिर कैश बहुत ज्यादा है तो विल नीड टू इन्वेस्ट इन आर इधर ऑपरेशंस और विल इन्वेस्ट दोज फंड्स इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट राइट. सो कैश मैनेजमेंट कैसा हो रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देता है. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसा है, what are the sources from which cash flow statement is made? So cash flow comes from income statement and changes in balance sheet accounts. What does it mean? Income statement mein aap itne sare kharche likhte ho, itne sara income likhte ho ki you sold goods to so and so at so and so price, right? So jo bhi revenue aa raha hai uska jitna bhi cash portion hai that comes in cash flow statement. सो इनकम स्टेटमेंट में जो भी कैश रिलेटेड बैलेंसेस होंगे ऑब्वियसली वो पीरियोडिकल आइटम है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे. मे इट बी योर इंटरेस्ट पेमेंट, मे इट बी योर डिविडेंड पेमेंट, मे इट बी योर इंटरेस्ट रिसीव्ड, मे इट बी आपने कुछ परचेज किया है रॉ मटेरियल्स का, या फिर आपने कुछ गुड्स बेचे हैं. जो भी खर्चा या आमदनी इनकम आपकी बेसिकली कैश में हुई है दैट विल कम टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. बट बैलेंस शीट कैसे इफेक्ट करता है? बैलेंस शीट तो पीरियोडिकल आइटम नहीं है, बैलेंस शीट इज अ लॉन्ग टर्म आइटम. बट अगर बैलेंस शीट में आप कोई भी अकाउंट उठा के देखो, लेट से एसेट्स राइट, एसेट्स में लेट से द ओल्डर बैलेंस वॉज 100 एंड नाउ द न्यूअर बैलेंस इज 150, ये नेट एसेट्स है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सब कुछ मान लो. तो अगर 100 से 150 मेरा एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ है, that basically means that I have bought some assets, right? And if I have bought some asset, that there could be only two possibility. Either I have bought the assets on credit or I have paid cash to bring in that asset. अगर वो cash related है तो cash flow statement में जाएगा. अगर credit related है, अगर मैंने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं तो it will not come in my cash flow statement, right? So income statement में जो cash item है सारा का सारा सब आएगा. बैलेंस शीट्स में जो भी चेंजेस हुए हैं, वॉट एवर द बैलेंसेस हैव चेंज्ड, अकाउंट्स में जो भी चेंजेस आए हैं दैट विल बी टेकन केयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ द चेंज इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ कैश राइट. सो दोज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मेड. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है वो हमने समझ लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली अ थ्री कैटेगराइज्ड स्टेटमेंट. ये मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, जहां पे क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है, वो हमको देखने को मिलेगा. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली रिलेट टू माई डे टू डे ट्रांजेक्शन्स राइट. मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए या खरीदने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है दोज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, मे इट बी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्यों बांटा जाता है? बिकॉज वी नो, वी वॉन्ट टू नो बेसिकली हमने अपने कैश को डिप्लॉय कैसे किया है. और अगर कैश आ रहा है, लेट्स से द कंपनी इज वेरी कैश रिच राइट, बट यू गॉट टू नो दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो कैश नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पॉजिटिव है. दैट मीन्स आप जो इतना कैश रिच हो विच इज बेसिकली बिकॉज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी. अगर लोन के बेसिस पे कैश रिच हो दैट डजंट लुक गुड ऑन द कंपनीज पर्सपेक्टिव राइट. वो अगर कैश रिच हो रहा है
डेट लेके या फिर इक्विटी इशू करके, तो दैट कंपनी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट. बट इफ द कंपनी इज कैश रिच बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट्स ग्रेट. ये तो हो गया कहां से पैसा आ रहा है. वैसे ही अगर हमको पता चले कि कैश बहुत बच रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे पुट हो रहा है कैश, इधर आई एम यूजिंग दैट कैश टू पे ऑफ माई डेट और इक्विटी क्या. सो वो सब चीजें बताने के लिए वी आर डिवाइडिंग आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, ये समझ में आया. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश पेड टू एम्प्लॉयज और सप्लायर्स. जहां पे भी जो भी मेरा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है, इधर मेरा कस्टमर से पैसा मिला है, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर और कैश पेड टू एम्प्लॉयज और सप्लायर्स, वो आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. सेकेंड इज सेल एंड परचेज ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज. ट्रेडिंग सिक्योरिटीज मतलब क्या, वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट सेशन. जहां पे भी इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि आप यूज करने वाले हो टू ट्रेड, बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अगर कुछ हो रहा है, तो दोज विल बी कैटेगराइज एज ऑपरेटिंग. देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. मैंने किसी को लोन दिया है या मैंने किसी का इक्विटी परचेज किया है, उसके बदले में अगर मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, दैट विल बी कैटेगराइज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड. जो भी मैंने टैक्स एक्चुअली में पे किया है वो माइनस होगा, और जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो यहां पे कैटेगराइज होगा, राइट. सो दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, दिस इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस गैप, राइट. सो यूएस गैप के हिसाब से कैश कलेक्टेड आ जाएगा, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आ जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा, एंड इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड आ जाएगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स मेड टू अदर्स एंड रिपेमेंट रिसीव्ड. अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है वो, या फिर उसने मेरे को वापस रीपे किया है, तो दैट विल बी कैटेगराइज एज इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने लोन दिया था वो एसेट है मेरा. एंड अगर मैंने फिक्स्ड एसेट में कुछ परचेज किया है इन टर्म्स ऑफ कैश, सी इफ आई हैव डन, यू हैव परचेज द फिक्स्ड एसेट्स ऑन प्योरली क्रेडिट बेसिस, तो हमारे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा. बट अगर वी हैव परचेज द एसेट ऑन कैश और वी हैव सोल्ड द एसेट फॉर कैश, इट विल बी कैटेगराइज हियर. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैंने किसी का इक्विटी लिया है या डेट लिया है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डेट इशूड और रिपेड. अगर मैंने किसी से डेट लिया है या उसको रिपे किया है, अगर डेट लिया है तो प्लस हो जाएगा, रिपे किया है तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज कैश जा रहा है, राइट. इक्विटी इशूड और रीएक्वायर्ड. इक्विटी अगर इशू करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, एंड रीएक्वायर करूंगा मतलब आई हैव टेकन बैक शेयर्स, तो वो नेगेटिव फिगर होगा. एंड लास्ट इज डिविडेंड्स पेड. इट विल बी क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. डिविडेंड जो मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगा, दैट विल बी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो ये तो हमको समझ में आ गया कि क्या क्लासिफिकेशन है. दिस इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस गैप. अब IFRS में दो तीन चीजें डिफरेंट है, विच आर IFRS गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कैटेगराइजेशन एज पर योर वॉन्ट्स. दो तीन चीजों पर IFRS फ्लेक्सिबिलिटी देता है, विच इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. IFRS क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने कुछ एसेट बाय किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ही आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है. तो वो जो मिल रहा है, इधर यू कैन राइट इट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर योर नीड. आपको जैसे कैटेगराइज करना है आप कर सकते हो. सिमिलरली डिविडेंड पेड जो है, डिविडेंड पेड में गैप तो बोलता है कि वो इधर ही आएगा, बट IFRS बोलता है डिविडेंड पेड भी जो है वो आप ऑपरेटिंग में डालना चाहो तो डाल सकते हो. एंड द लास्ट पॉइंट दैट IFRS सेज इज टैक्सेस पेड जो होते हैं US गैप में, तो सारा का सारा टैक्स ऑपरेटिंग में चला जाता है. IFRS गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव सोल्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जैसे आपने मान लो कि फिक्स्ड एसेट 100 रुपए पे लिया था, 200 रुपए पे बेच रहे हो, सो बेसिकली यू आर गेनिंग 100 रुपीज ऑन दैट ट्रांजेक्शन. तो 100 रुपीज पे जो भी टैक्सेस पे किया है, दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
एज पर IFRS. तो IFRS आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि टैक्सेस पेड भी जो है यू कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंगली. सो तीन डिफरेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड. ऑपरेटिंग में नहीं लेके इन्वेस्टिंग में भी ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी के ऊपर है वो कैसे लेना चाहती है. डिविडेंड पेड इट कैन बी कैटेगराइज अंडर ऑपरेटिंग एज वेल. इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है बट इंटरेस्ट पेड तो हमेशा ऑपरेटिंग में आएगा अकॉर्डिंग टू US GAAP. IFRS बोलता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आप इधर फाइनेंसिंग में कर सकते हो या ऑपरेटिंग में कर सकते हो. एंड द लास्ट इज टैक्सेस पेड. US GAAP बोलता है पूरा का पूरा टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आना चाहिए. IFRS बोलता है अगर आपका टैक्स पेड रिलेट्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यू कैन कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर टैक्स अंडर ईदर ऑफ द हेड्स, राइट. सो आई होप कैटेगराइजेशन इज क्लियर. नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड द method of cash flow statement, making of cash flow statement. Thank you.